कि दिल्ली में 770 की 70 सीट आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है। क्या कहना चाहिए? केजरीवाल कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता। बीजेपी को इस बार बहुत बुरी हार का जीरो का सामना देखना पड़ेगा। केजरीवाल लगा केजरीवाल दिल्ली में 5 साल हर जगह केजरीवाल 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 और अजय दत्त छाए हुए लोग। नमस्कार दोस्तों, सत्य खबर में आज हम आ पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा, जहां से आम आदमी प्रत्याशी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जी हां अजय दत्त का ही है ये हुजूम पूरा। केजरीवाल दिल्ली में 5 साल केजरीवाल, अर्थात बिजली फ्री, पानी फ्री, महलों को सब। बिल्कुल अजय दत्त जा रहे हैं, आप देख सकते हैं विशाल रोड शो है, पब्लिक पीछे बहुत हजारों की तादाद में पब्लिक और बाइकें हैं। अजय दत्त जी आज आखिरी दिन है 6 बजे तक, कैसा लग रहा है, क्या कुछ अपेक्षाएं मिल रही हैं लोगों से? क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, आम आदमी पार्टी अम्बेडकर नगर की सीट डबल बहुमत से जीत रही है। मैं नहीं, जनता कह रही है, और जनता ये भी कह रही है कि दिल्ली में 770 की 70 सीट आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है, और बीजेपी को इस बार बहुत बुरी हार का जीरो का सामना देखना पड़ेगा। रवि किशन जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाने जा रही है। फर्जी लोग हैं, अगर इन्होंने ईवीएम में कुछ घपला कर दिया तो जरूर बना लेंगे। नदरवा जनता तो ने एक वोट दे रही, एक वोट 2 रुपए किलो आटा फ्री बांट रहे हैं, बच्चियों को साइकिल और स्कूटी दे रहे हैं, ऐसा उनके पत्र में आया है। अभी फर्जी है, जुमलेबाज हैं, कह रहे थे 15 लाख आएंगे, 15 लाख नहीं है, 54 नहीं आई, तो जुमलेबाज हैं। इनको बोलो अगर आपको इतना ही देना है तो अपनी जो आपकी सरकारें बनी हुई हैं हरियाणा में और यूपी में वहाँ दे दें। कह रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, ये कर रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति, हम तो कर्म के नाम पर कर रहे हैं, हम तो काम करके दे रहे हैं जनता। कहाँ कहाँ तक जाने वाले हैं अभी आप और कितने लोग शामिल होने? दक्षिणपुरी मदनगिर खानपुर से हम होके आ गए, पुष्पिहार जाके आ रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा दक्षिणपुरी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अजय दत्त जी, जिनकी एक विशाल जो रोड शो है वो निकला है बाइकों पे, हजारों लोग बाइकों पे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी चल रही है, केजरीवाल जिंदाबाद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। मैम कितने और लोग पीछे आ रहे हैं? 500 कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है। अभी खड़े रहो, ये देख लेना 5,000। देखिए देखिए पीछे देखिए, कितने आदमी देखिए पीछे देखिए, आप कितने आदमी पीछे देखिए, हम केजरीवाल लगे रहो केजरीवाल, आप देख सकते हैं पीछे पूरी कैंपेनिंग जा रही है, लगे रहो केजरीवाल 5 साल, और लोग पीछे और भी आते ही चले जा रहे हैं लगातार। हाँ हमारे आज हमारे अजय दत्त जी की जीत पक्की है, हर जगह केजरीवाल 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 और अजय दत्त छाए हुए हैं लोग, झाड़ू जितने भी वार्ड 79 हो 80 हो 81 हो सब जगह झाड़ू इस टाइम झाड़ू की जीत है और बीजेपी की हार है। ना पैसे पे ना दारू पे, अब की बार झाड़ू पे बीजेपी बीजेपी तो वोट दे रही है दारू पे, गलियों पे, साड़ियों पे, मगर हम वोट दे रहे हैं झाड़ू पे और ईमानदारी से लड़ रहे हैं, बुकू ईमानदारी पे। इस बार पहली बार ऐसा कुछ काम होने जा रहा है जो काम के पीछे वोट हो रहा है, पहली बार काम के पीछे वोट होने जा रहा है। झाड़ू पे मोहर लगे, झाड़ू 5 साल लगे रहो केजरीवाल, तो 5 साल लगे रहो जी, क्या कहना चाहिए? केजरीवाल कर सकता वो कोई भी नहीं कर सकता, जो केजरीवाल कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, लोगों का कहना आपने सुन लिया अजय दत्त का। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो हर एक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, लोगों से अपील करे और वोट मांगने की अपील की जाए, लेकिन फैसला तो आम जनता के ही हाथ में है कि 11 फरवरी के दिन आने वाले नतीजों में किसकी सरकार सत्ता में आती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ जुहैब अहमद, सत्य खबर दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।